आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जैन समाज की स्थापना के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि जैन समाज की स्थापना कब हुई और किन किन उद्देश्यों को लेकर हुई। हमारे गीता और जैन शास्त्रों को यदि अपन लेते हैं तो इसमें जैन समाज यानी जैन धर्म को मानने वाले हैं, जहां हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों की आराधना करने वाला एक पंच नमस्कार मंत्र है। पंच नमस्कार मंत्र को अनादि काल से मानते आए हैं और पहले के समय में इस पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने वाला बहु समाज होता था, देश विदेश में जितने भी लोग होते थे। जी गुरु जी, सवाल इसलिए जैन समाज की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है, किसी व्यक्ति ने भी इस जैन समाज की स्थापना नहीं की गई है, ये धर्म के आधार पर है। जैन धर्म सिद्धांत के रूप से शुरू से चला रहा है, अनादि काल से चला रहा है, इसको स्थापना करने वाला कोई नहीं है। यानी इसके मान लीजिए गॉड जो है जब से प्रकृति चली आ रही है तब से जैन धर्म चला रहा है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत 5 हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और ये सिद्धांत मानव धर्म के लिए हैं और प्राणी मात्र के लिए हैं, और जो प्राणी मात्र इन सिद्धांतों को मानता है वो जैन धर्म का अनुयायी है और उन्हीं को जो है जैन धर्मानुरागी मान लिया है और वही जैन धर्म जैन समाज के रूप में प्राप्त हो चुका है। गुरु जी, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा था कि किस सदी में या कब इसकी स्थापना हुई, कोई इसका यदि हम इसके वर्षों को गिनें तो इसके वर्षों को गिनने के लिए हमारे पर नील शंख नील उससे भी आगे की संख्या जो है इतने वर्ष पूर्व जैन धर्म में सबसे पहले इस युग में आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म में ये जैन धर्म का उपदेश दिया है। इसलिए नील शंख नील जिस समय आदिनाथ भगवान हुए हैं उस समय से जैन धर्म की परंपरा चली आ रही है। गुरु जी, दूसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज समाज में बहुत सारे धर्मों का चलन हो गया है, जैन धर्म का जो मूल उद्देश्य है, प्रमुख मूल उद्देश्य है, वो हम जानना चाहेंगे वो क्या है। जैन धर्म का मूल उद्देश्य है दया, अहिंसा, क्योंकि जीव मात्र के प्रति दया की भावना रखना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना रखना। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी तीर्थंकरों ने अहिंसा का उपदेश दिया है, दया का उपदेश दिया है। इसलिए आज भी जैन धर्मावलंबी अहिंसा का ध्यान रखते हुए एक चींटी छोटे से जीव जंतु चींटी को भी मारने से परहेज रखते हैं, उसको भी मारने में अपने आप में पाप मानते हैं, इसलिए अहिंसा प्रमुख उद्देश्य है। आपको क्या लगता है कि इस उद्देश्य को हम कुछ प्राप्ति कर पा रहे हैं? जहाँ तक हमारे जैन समाज का प्रश्न है, जैन समाज में अहिंसा का भाव आज भी है और उनके जो साधक हैं साधु संत हैं वे पूर्णतः अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। इसलिए बरसात के दिनों में 4 महीने अन्यत्र विचरण नहीं करते हैं, एक स्थान पर एक दिनालय में ही रहकर के अपनी साधना करते हैं, इसलिए अहिंसा धर्म का उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्या ऐसा संभव है कि इस धर्म से बहुत सारे लोग और जुड़ें, वो भी इसको अपनाएं? कहाँ कमी रह गई है कि जैन धर्म का उद्देश्य इतना बेहतर होने के बाद उनसे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है? उसका कारण ये है कि जैन धर्म में अहिंसा का उपदेश तो दिया ही गया है लेकिन साथ साथ में अपरिग्रह का उपदेश भी दिया गया है, साथ साथ में त्याग का उपदेश भी दिया गया है। और आज के समय में आप जानते हो कि वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं भौतिकवादी स्थितियाँ हैं और भौतिकवादी स्थितियों में चकाचौंध में व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है। आज के समय मोबाइल का जमाना आ गया है, इस मोबाइल की क्रांति में व्यक्ति नए नए आयामों को खोजता है, लेकिन जैन धर्म जो है प्राचीन पद्धति के अनुसार चलता है, इसमें त्याग और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए इस त्याग और तपस्या की कठिनता को देख करके लोग अहिंसा धर्म से जुड़ नहीं पा रहे हैं, यद्यपि लोगों की शांति के लिए लोगों की समृद्धि के लिए अहिंसा धर्म से बढ़कर के हिंसा कभी भी फलीभूत नहीं है और उसमें कभी व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती नहीं है। गुरु जी, 2-3 मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। जैन गुरु की परंपरा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ये परंपरा कब से चली आ रही है और जो भी इनके गुरु हुए हैं
उनका विस्तार से थोड़ा हम चाहेंगे कि आपके शब्दों में वर्णन हो। देखिए, हमारे जो नरग्रंथ दिगंबर परंपरा चली आ रही है, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए हैं। भगवान आदिनाथ रहे हैं, जब सतयुग चलता था उस सतयुग के समय में निर्गम दीक्षा लेकर के जंगलों में उन्होंने वास किया था, और जंगल में रहकर के 6 महीने तक एक आसन से ध्यान किया, और उसके पश्चात उनके साथ 4000 राजाओं ने जिन दीक्षा को प्राप्त किया निर्गंध बने, दिगंबर हुए हैं। और वो 4000 राजा आदिनाथ भगवान के साथ में यानी आदि ब्रह्मा के साथ में रहे हैं, और उस समय से ये परंपरा अनवरत हमारी चली आ रही है, जिसमें आदिनाथ भगवान के पश्चात 23 तीर्थंकर हुए हैं। 23 तीर्थंकरों ने भी इसी निर्ग्रंथ दिगंबर धर्म का उपदेश दिया है, इसी धर्म का पालन किया है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात, उनका निर्वाण होने के पश्चात, हमारे भद्रबाहु जैसे महानाचार्य हुए हैं, विशाखाचार्य आदि महानाचार्य हुए हैं, उन आचार्यों से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। वर्तमान युग में आचार्य शांति सागर जी छाणी, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, इन 3 महान आचार्यों की परंपरा वर्तमान में इस भारतवर्ष में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करके विचरण कर रही है। इसलिए दिगंबर परंपरा आज से नहीं, सतयुग से चली आ रही है। जब श्री कृष्ण और भगवान राम हुए, उनके पहले भी आदिनाथ भगवान हुए हैं, और ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। भगवान राम ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस दिगंबर परंपरा को, दिगंबर मुनि पद को धारण किया था, और वे मांगी तुंगी से मुक्ति को प्राप्त हुई थी। गुरु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ये कि मैं जानना चाहूँगा, जैन धर्म जो है ये विश्व में किस तरह से प्रगतिशील है, विश्व में इसकी क्या मान्यता है? जैन धर्म की विश्व में मान्यता है, हर व्यक्ति जानता है कि अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यदि आज व्यक्ति को सुखी होना है, व्यक्ति सुखी होता है या शांति को प्राप्त करना चाहता है, तो अहिंसा से ही शांति मिलती है। ये विश्व का हर मानव इस बात को जानता है। विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन सारे वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, यदि आज हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, यदि आज हमारे पास मोबाइल भी है, यदि हमारे पास ये आवाज़ की तरंगें भी हैं, ये सारी की सारी खोज जैन धर्म के आधार पर हुई है। सारा विश्व जैन धर्म से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये निश्चित नहीं है कि वह धर्म मान करके या मंदिरों में जा करके ही जैन धर्म से जुड़ रहा हो। व्यक्ति ने जहाँ से जैसे भी पाया है, वो सब जैन धर्म से पाया है, इसलिए व्यक्ति कहीं ना कहीं से जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे आचार्य मनीषियों ने जैन धर्म का जो उपदेश दिया है, तो उन्हें विज्ञान और तर्क के साथ में जैन धर्म का उपदेश दिया है, इसलिए विज्ञान की सारी खोज जैन धर्म के आधार पर चल रही है। गुरु जी, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे विस्तार में बताएं कि कौन कौन से पवित्र जैन धर्म का धार्मिक स्थल है वर्तमान में। हमारे जैन दर्शन के अनुसार पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला मुख्य तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, जहाँ 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनके साथ असंख्यात मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जिस सम्मेद शिखर की भूमि पर आज भी वह अतिशय और चमत्कार है कि व्यक्ति भी वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए पर्वत पर जाता है, और आते समय या जाते समय कहीं रास्ता भटक जाता है, तो उस पर्वत पर रहने वाले जो देव हैं, वे व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में आकर के उसको रास्ता बता करके जाते हैं। और जब वो रास्ते पर व्यक्ति आ जाता है, उसके पश्चात वो प्राणी वहाँ से पीछे हो जाता है। यदि वो व्यक्ति देखता है कि वो व्यक्ति कहाँ गया जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, फिर वो कहीं दिखाई नहीं देता है। जब सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहली बार मैं भी गया, तो मैं भी वंदना करके अकेला ऊपर से आ रहा था, तो रास्ता में भटक गया, और रास्ता भटक करके मैं चंदन बगान, एक स्थान है जंगल है, उसमें चंदन ही चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं, और उस चंदन के बगीचे में शेर, चीते, भालू और भी हिंसक जितने भी जानवर हैं, सारे जानवर उस बगीचे में रहते हैं। जैसे मैं बगीचे के लगभग 1/4 हिस्से में पहुंच गया, अचानक मेरे को लगा कि मैं रास्ता भटक गया। इतने में एक व्हील के रूप में एक व्यक्ति मुझे आता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो?
मैंने कहा मुझे मधुबन जाना है, तो वह व्यक्ति बोलता है मधुबन का रास्ता नहीं है, ये तो जंगल का रास्ता है। मैंने कहा मैं रास्ता भूल गया, तो आप मुझे सही रास्ते पर पहुंचा दीजिए। वो व्यक्ति मेरे आगे आगे चलता आया और जैसे ही मुझे उसने सही रास्ते पर छोड़ा, उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे वह मेरे पीछे हुआ, एक सेकंड के बाद मैंने पीछे मुड़ कर के देखा तो वह व्यक्ति वहाँ से गायब था, अंतर ध्यान हो गया। हाँ गायब था, अंतर ध्यान था, वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। इसलिए आज भी सम्मी शिखर जो प्रमुख क्षेत्र है वहाँ पर आज भी उस प्रकार का कक्ष है। दूसरा हमारे जैन तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है अयोध्या, जहाँ पर रामचंद्र जी की जन्मभूमि भी है। वहाँ हमारे तीर्थंकरों के, पांच तीर्थंकरों के वर्तमान में जन्म हुए। प्रमुख तीर्थों में अयोध्या भी आता है। इसके पश्चात गिरनार सिद्ध क्षेत्र हमारे प्रमुख तीर्थों में आता है। चंपापुरी, बाबापुरी, कुंडलपुर, सोनागिर, द्रोणगिरी, ये हमारे प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर आज भी हमें अक्षय और चमत्कार वहाँ पर दिखाई देते हैं। जब लोग वहाँ पर वंदना करने जाते हैं उससे उन्हें सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु जी एक सवाल है, वर्तमान समय में इस समय जैन धर्म का सबसे बड़ा मिशन क्या है, किस चीज़ की स्थापना चाहते हैं, कौन सा चीज़ चाहते हैं, मिशन क्या है? जैन धर्म का शाश्वत मिशन है मानवों में मानवता लाना, नर को नारायण बनाना, मनुष्य में मनुष्यता लाना और हिंसा से अहिंसा की ओर लोगों की प्रवृत्ति हो, यह जैन धर्म का मूल मिशन है। और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग अहिंसक बने, किसी प्रकार की हिंसा न करें, चोरी चपाटी न करें। वर्तमान में जो अनेक प्रकार की आतंकवादी की या नस्ली आदि जो है हिंसक प्रवृत्तियां जो होती हैं, जैन धर्म यही चाहता है कि आतंकवाद से कभी भी किसी व्यक्ति का किसी भी का समाधान नहीं हुआ। यदि अहिंसा के मार्ग से उसका समाधान खोजेंगे तो हर विषय का समाधान हुआ। जब भारत स्वतंत्र होने, अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि आदि बड़े बड़े लोगों ने भारत की आज़ादी के बहुत प्रयास किए, आंदोलन किए, लेकिन महात्मा गांधी ने जब श्रीमद राजचंद्र जी से अहिंसा की शिक्षा ली और महात्मा गांधी उस अहिंसा के मार्ग के माध्यम से अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की सहजता में बात को मान करके हिंदुस्तान छोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हिंदुस्तान को छोड़ दिया। इसलिए जैन धर्म का मुख्य मिशन तो यही है कि सारे जीव हिंसा के मार्ग को छोड़ें, अहिंसा के मार्ग की प्रवृत्ति को अपनाएं, जिससे सभी समाधान हो सकते हैं। गुरु जी इसी से जुड़ा बिल्कुल अंतिम सवाल है कि विश्व शांति में जैन धर्म कितना बड़ा सहायक हो सकता है? विश्व शांति के लिए जैन धर्म अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का उपदेश देख करके बहुत बड़ा सहायक है। यदि प्राणी मात्र, क्योंकि किसी भी धर्म में जाएं, हम चाहे वैष्णव धर्म में जाएं, मुस्लिम धर्म में जाएं, सिख धर्म में जाएं, ईसाई धर्म में जाएं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सभी धर्मों के जो मुख्य उपदेशक हैं या जो मुख्य ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में अहिंसा की बात कही गई है कि प्राणी मात्र के लिए अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी जीव का घात करने का अधिकार नहीं है। अभी लोकसभा में भी जब बहस चल रही थी, हुकुमचंद जी ने एक बात कही थी लोकसभा में अभी कुछ दिनों पहले कि किसी भी जीव के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी के धर्म का, अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अहिंसा प्राणी मात्र का मौलिक धर्म है। इस अहिंसा धर्म के अधिकारों को हनन करने का अधिकार किसी का नहीं है। विश्व के सारे प्राणियों को इस अहिंसा धर्म से जुड़ना चाहिए, जिससे विश्व में शांति फैले, अमन फैले, चैन से सारी प्रजा रहे। इसलिए अहिंसा ही विश्व की शांति के लिए मुख्य स्तंभ है और उसे ही अपनाना चाहिए। जी मेरे जिज्ञासा मेरी है, एक मन में पूछना चाहूँगा एक सवाल कि आज 21वीं सदी में विश्व चल रहा है, भारत देश भी हर नागरिक जो है बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हम देखते क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है शांत नहीं है, सबके अंदर मन में एक उथल पुथल अशांति फैली हुई है। तो हम चाहेंगे ऐसा कुछ आप मंत्र बताएं, कोई योग बताएं, जिससे उस प्राणी के अंदर शांति जन्म ले। व्यक्ति के अंदर अशांति होने का एक ही कारण है,
व्यक्ति धर्म की क्रियाओं से, धर्माचरण से, अपने व्यक्तित्व से दूर होता जा रहा है। आज के समय व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं मना रहा है। आज के समय व्यक्ति अपने जीवन को धर्म से नहीं जोड़ पा रहा है, इसलिए व्यक्ति के अंदर अशांति बढ़ती जा रही है। यदि वास्तविकता में व्यक्ति को शांति चाहिए, व्यक्ति अपने जीवन में शांति की स्थापना करना चाहता है, अशांति को दूर भगाना चाहता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति आस्था को जोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति को धर्म में अपने भावों को लगाना चाहिए, कुछ समय धर्म क्रियाओं को देना चाहिए। यदि ज़्यादा समय व्यक्ति के पास नहीं है, ओम ह्रीम का ध्यान करें, तो ओम ह्रीम के ध्यान करने से भी मानव के अंदर शांति की स्थापना हो सकती है, शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज के समय में यदि इस भागम भाग दुनिया के समय में, 21वीं सदी की दौड़ के समय में, व्यस्तम समय में व्यक्ति के पास यदि अल्प समय है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा ना, एक घड़ी आधी से भी पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कोटि हरे अपराध। यदि एक घड़ी माने 24 मिनट का समय व्यक्ति को अपनी व्यस्तम जिंदगी से निकाल लेना चाहिए। यदि वहाँ समय नहीं निकलता, तो उनका आधा 12 मिनट का समय निकाल लेना चाहिए। फिर भी व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो 6 मिनट का समय तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ओम ह्रीम इसके ध्यान के लिए निकालना चाहिए। यदि व्यक्ति ओम ह्रीम का 6 मिनट भी ध्यान करता है, तो वह अपने जीवन में शांति की स्थापना अवश्य कर लेगा। गुरु जी, कुछ हम न पूछ पाए हों और हम चाहते हैं जनमानस को कुछ उपदेश दे दें, जो सवाल मैं न पूछ पाया हूँ उसके बारे में आप कुछ जनमानस को। जनमानस के लिए मेरा एक ही संदेश है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी व्यस्त रहे, परंतु चोरी, हिंसा आदि के कार्यों से दूर रहे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान न हिंसा है, न चोरी है, न लूटपाट है। क्योंकि आज तक कभी भी पूर्व के इतिहासों को भी हम उठा करके देखें, तो पूर्व के इतिहासों से लेकर आज तक जिन जीवों ने हिंसा का मार्ग अपनाया है, चोरी, लूटपाट, डकैती आदि का मार्ग अपनाया है, वे कभी भी सुखी नहीं रहे हैं। शांति का मार्ग, मानवता का मार्ग, व्यक्ति को सुखी बनाने का मार्ग है। इसलिए धर्म की जो आस्थाएँ हैं, चाहे भगवान आदिनाथ के समय की आस्थाएँ हों, चाहे भगवान रामचंद्र जी के समय की आस्थाएँ हों, चाहे श्री कृष्ण जी के समय की आस्थाएँ हों, चाहे भगवान महावीर के समय की आस्थाएँ हों या बुद्ध के समय की आस्थाएँ हों, सभी आस्थाओं में धर्म प्रमुख रहा है, मानवता प्रमुख रही है। और मानव की पहचान कर ले या मानव के अधिकारों की पहचान कर ले, तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए आज जगत के सभी प्राणियों को मानव के अधिकारों को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मैं मानव हूँ, मुझे जीने की इच्छा होती है, मुझे शांति प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी प्रकार से जो अन्य भी मानव हैं, उन सभी मानवों को भी उसी प्रकार से जीने की इच्छा, शांति प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो हम उसकी शांति को कैसे भंग करें, उसकी मानवता को कैसे भंग करें, यदि हर मानव इस प्रकार का विचार करे, तो निश्चित है मानव की जिंदगी जी करके अपने इंसानियत के धर्म को भली भांति पालन कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे विश्व के जितने भी हिंसा के मार्ग पर बढ़ रहे लोग हैं, वे मानवता को पहचानें और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ें। निश्चित है स्वयं भी सुखी रहेंगे, दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहेगा। गुरु जी, एक सवाल मेरा और है कि जैन धर्म का कैलाश पर्वत से बड़ा मार्मिक संबंध है और उसकी बहुत कहानियां प्रचलित हैं, उसकी सच्चाई के बारे में थोड़ा बताएं। कैलाश पर्वत विश्व का अद्वितीय पर्वत है, जैन धर्म में उसे अष्टापद भी कहते हैं। वहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी साधना की है, जिन्हें हम आदि ब्रह्मा के रूप में भी जानते हैं, और उन्होंने उस कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। उनके पुत्र बाहुबली, अनंतवीर आदि 98 पुत्रों ने उस कैलाश पर्वत से
निर्वाण को प्राप्त किया। उन्हीं के पुत्र जिनके नाम पर आज हम हिंदुस्तान को भारत जानते हैं, उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती। भरत के नाम से ये पूरा भारत भारत जाना जाता है। उनकी याद, उनकी स्मृति में कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती भरत ने 72 जिनालय बनवाए थे और 72 जिनालय सब रत्नमयी स्वर्णमयी बने हुए थे। और स्वर्णमयी जिनालयों में उन्होंने रत्नों की प्रतिमाएं स्थापित की थी और उन जिनालयों का की ऊंचाई 2000 हाथ ऊंचे, 500 हाथ ऊंची जिन प्रतिमाएं उन जिनालयों ने स्थापित की थी। उसके पश्चात दूसरे चक्रवर्ती हुए हैं सगर चक्रवर्ती। उनको लगा कि आगे आने वाले समय में इतने विशाल और सुंदर जिन मंदिरों की रक्षा ये मनुष्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आतंकवाद फैलेगा, चोरी डकैती का प्रसंग अधिक बढ़ेगा, तो लोग इसको चुरा ले जाएंगे। इसलिए भरत सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। उस कैलाश पर्वत की चारों तरफ से उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी खाई खोदी, जिसे आज समुद्र का रूप कहते हैं कि समुद्र का रूप बन गया है वो। और जो मूल कैलाश पर्वत हैं वहाँ पर तो आज के समय में लोग जा ही नहीं पाते हैं, ये तो सेकेंड कैलाश पर्वत हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। इसलिए वहीं पर शंकर जी ने भी तपस्या की है, वहाँ पर रामचंद्र जी ने भी तपस्या की है और भी श्री कृष्ण जी भी उस कैलाश पर्वत तपस्या करने के लिए गए हैं। से जैन धर्म का संबंध प्रथम तीर्थंकर और आदि ब्रह्मा आदिनाथ के समय से है, इसलिए उस जैन धर्म कैलाश पर्वत के लिए सभी जैन धर्मावलंबी विशेष रूप से याद करते हैं, पूजते हैं और पूज स्थल मानते हैं। गुरु जी, एक सवाल और मेरा जिज्ञासा कर रहे हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं पूछूं। हाँ बिल्कुल पूछिए। गाजियाबाद प्रवास के दौरान आप क्या मैसेज गाजियाबाद निवासियों को देना चाहते हैं और किस रूप में आपने इस प्रवास को आपने रखा हुआ है यहाँ पे? गाजियाबाद मेरे लिए एक तीर्थ के समान है, क्योंकि जो मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य समाधि समण आचार्य गुरुदेव सुमति सागर जी महाराज, आज से 50 साल पहले टाउन हॉल में उनकी मुनि दीक्षा दिगंबर दीक्षा हुई थी और बहुत लंबे समय से मैं विचार में था कि गाजियाबाद एक ऐसा तीर्थ है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ जहाँ गुरुचरण पड़े तीर्थ हजार होए, इस प्रकार के जो कहावत है कि गुरु की जहाँ पर चरण पड़ गए हैं वो भूमि तीर्थ के समान बन जाती है और अन्य 1,000 तीर्थों की वंदना करने से गुरु के चरण जिस भूमि पर पड़े हों उस भूमि की रज मस्तक से लगाने से 1,000 तीर्थों का फल मिल जाता है। ऐसी मेरी भंगल भावना थी, इसलिए मैं गाजियाबाद में आया हूँ और गाजियाबाद के लोगों को संदेश यही दूंगा कि अमन और चैन का मार्ग, सुख का मार्ग, मानवता का मार्ग, व्यक्तित्व के मार्ग को अपनाएं, जिससे व्यक्ति का जीवन चैन से रहे, सुख से रहे, समृद्धि से रहे। गुरुदेव के जन्म शताब्दी यानी 100वां जन्म जयंती महोत्सव 26 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, कि गुरुदेव 100 वर्ष के उस समय होने जाएंगे और इसी भूमि पर उनका स्वर्ण संयम जयंती महोत्सव भी 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जो गुरुदेव के यहाँ पर दीक्षा लिए 50 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए उस संदर्भ में मैं यहाँ पर गाजियाबाद में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और धर्म की प्रवाहना बहुत अच्छी चल रही है, लोग धर्म के संस्कार और धर्म के प्रति जागरूक बन रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु जी का जन्म ग्राम घिसौली जिला उत्तर ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके गुरु जी का नाम आचार्य समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज और उनके पिता का नाम श्री प्रेमचंद जी, माता जी का नाम श्रीमती कस्तूरी बाई। इनके व्यस्त अवस्था में 5 भाई 3 बहन हैं और बुआ का नाम श्रीमती गुरुमाला जैन, श्रीमती संतोष जैन। शिक्षा हमारे गुरुजी की 10वीं मैट्रिक है और शिक्षा दोबारा शिक्षा छोड़ दीजिए दीक्षा हमारे गुरुजी की एलक अवस्था में सोनागिरी जी में हुई थी और मुनि अवस्था में श्री सम्यशिखर जी में हुई थी। तारीख मुनि दीक्षा की तारीख श्रावण शुक्ला सप्तमी मुझ सप्तमी पर मुनि दीक्षा सम्यशिखर जी में हुई थी। हमारे गुरुजी का
मुई दीक्षा सम्मी शिखर, दिनांक 25 जुलाई श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन सम्मी शिखर जी में हुई थी और आचार्य पद आचार्य श्री का 2196 आचार्य पद आचार्य श्री का 2196 कुतमा में आचार्य श्री के आचार्य श्री सुमंत सागर जी महाराज ने उनको दिया था। और आचार्य श्री के पास 3 आचार्य पद हैं, आचार्य सुमंत सागर जी, आचार्य रजत सागर जी, आचार्य बी सागर जी। इन 3 आचार्य पद आचार्य श्री के पास हैं और दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं है जिसके पास 3 आचार्य पद हों। केवल हमारे गुरु जी आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज हैं, उन्हीं के पास 3 आचार्यों के 3-3 आचार्य पद हैं। और आचार्य श्री की उपाधि बादशाह दिवाकर, चरिया चूड़ामणि, प्रखर प्रवक्ता, ये आचार्य श्री की उपाधियाँ हैं। और बादशाह आचार्य श्री में बहुत भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, शिष्यों के प्रति बहुत आचार बहुत बात्सल्य है और शिष्यों का ऐसे ध्यान रखती हैं जैसी माँ अपने शिष्यों का अपने बेटों का ध्यान रखती है, वैसी आचार्य श्री हम लोगों का हमारे शिष्यों का अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। आचार्य श्री 16 कारण व्रत करते हैं, 32-32 उपवास करते हैं, 1-1 महीने के उपवास करते हैं जिसमें 1 दिन छाँस लेते हैं, 1 दिन उपवास करते हैं, 1 दिन छाँस लेते हैं, 1 दिन उपवास करते हैं। और 8 रक्षाबंधन के बाद 8 तारीख से आचार्य श्री 1 महीने तक कंटिन्यूस उपवास करेंगे, 32 उपवास करेंगे जिसमें 1 दिन छाँस लेंगे, 1 दिन उपवास करेंगे, 1 दिन छाँस लेंगे, 1 दिन उपवास करेंगे। कि आप अपने गुरुजी को प्रेरणा स्रोत रूप में कैसे देखते हैं? प्रेरणा स्रोत मतलब अच्छा देखते हैं, बादशाह आचार्य श्री में और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मूछ मार में चलने की प्रेरणा देते हैं। और इस धर्म से जुड़ने के पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है और कहाँ से आप हैं? मैं भिंड से हूँ सरिता दीदी, परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के संगस्थ और आचार्य श्री का 2007 का चतुर्मास इटावा उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था और वहाँ पर जब आचार्य श्री की चर्या देखी जो हम आज बात करते हैं चतुर्थ काल के साधुओं के वह चर्या आचार्य श्री में देखी और आचार्य श्री का वात्सल्य देखा और जो आचार्य श्री का प्रवचन प्रखर प्रवक्ता की उपाधि दी गई है तो आचार्य श्री का प्रवचन इतना धार्मिक होता है और जो बाहर अन्य विषयों पर नहीं होता है और यह प्रवचन को सुनकर मैं प्रभावित हुई और आचार्य श्री ने इस मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें आगे प्रेरणा दी। और इसलिए और जो मनुष्य जन्म मिला है मनुष्य जन्म का सही उद्देश्य तो यही मार्ग है, यही मार्ग से कल्याण होना है। धर्म और धर्म आराधना करें, धर्म से जुड़ें, यही हमारी भावना है। मैं इंदौर से बाल ब्रह्मचारी हर्षिता दीदी संगस्थ आचार्य विवेक सागर जी महाराज, मैं आचार्य से 2014 में इंदौर चतुर्मास के दौरान जुड़ी थी। जब आचार्य श्री के दर्शन करे तब मुझे भी जैन धर्म का ज्ञान होने की प्रेरणा मिली और अहिंसा मार्ग के चलने की प्रेरणा मिली और लोगों को भी और बढ़ाने के लिए इस मार्ग पर प्रेरित हुई। आप इतनी कम उम्र में आप जुड़े हैं इससे और इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपने जैन धर्म के लिए? आत्म साधना करने के लिए कम उम्र में अच्छा से प्रेरणा पाके मैं इस ओर बढ़ी। नहीं, पहले सबसे पहले उनका नाम अनिल महामंत्री जी। अनिल जैन साहब, राजेंद्र जी, पवन जी, राजेंद्र जी, पवन जी। जैन समाज के विस्तार के लिए, जैन समाज की सद्भावनाओं को बढ़ाने के लिए, जैन समाज में धर्म भावना बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह चातुर्मास कराया है और चातुर्मास के उन्होंने बहुत प्रयास किया है। साल भर तक ये समाज को लेकर के चातुर्मास के प्रयास में लगे रहे और उनकी भावना यही रहती है कि समाज में धर्म की भावना सदैव आगे बढ़ती रहे और लोग धर्म से जुड़े रहें। जैन धर्म के प्रति हमारी बहुत सद्भावना है, बहुत आगे बढ़े जैन धर्म और आचार्य श्री जी के हमने चतुर्मास करा करके इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। पब्लिक बहुत जुड़ी है हमारे से, जितना भी हो सकता है हम आचार्य श्री के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे, यही हमारी सद्भावना। जी बहुत जी, आचार्य श्री का आगमन गाजियाबाद में हुआ और चतुर्मास की हमने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करने के बाद जब आचार्य श्री का सानिध्य मिलने की हमें परमिशन मिली और आचार्य श्री ने हमें
इस बात के लिए अवगत कराया कि मैं गाजियाबाद चतुर्मास करूंगा और हमें इतनी अपार खुशी और जैन समाज को मिली कि एक आचार्य श्री का चतुर्मास गाजियाबाद में हो रहा है। और आचार्य श्री का चतुर्मास होने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि आचार्य श्री के आचार्य श्री यानी कि डबल उनका 50वां दीक्षा दिवस भी इसी शहर गाजियाबाद में समाधि सम्राट महाराज जी का आचार्य सुमति सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस इसी शहर गाजियाबाद में दीक्षा 50 साल पहले हुई थी तो 50वां महोत्सव भी हम गाजियाबाद में आचार्य श्री के सानिध्य में गाजियाबाद में बना रहे हैं। और इसी के साथ साथ आचार्य श्री का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, उसके बाद मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम, भक्तांबर महाकुंभ एक अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, जैन समाज की धरोहर है कि जो जैन समाज को हर चीज़ में और समाज की विकृति को निपटाने के लिए जो भक्तांबर के 48 स्रोत हैं उन स्रोतों का महाकुंभ बना के आचार्य श्री के सानिध्य में लगभग 100-125 आदमियों ने जो विधान के आयोजन में बैठे और बैठने के बाद उसको विस्तार रूप से उसका श्रवण किया और उसके बावजूद जब आचार्य श्री ने ये बताया कि इस भक्तांबर महाकुंभ की महिमा कितनी अपार है कि जिस भक्तांबर की 48 कड़ियों से 48 ताले मुनिवर के जब खुल गए तो उसी भक्तांबर का विधान आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ घंटाघर जैन मंदिर में करा गया। उसके बावजूद अब आगे के कार्यक्रमों में आचार्य श्री का दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी, जन्म जयंती महोत्सव भी इसी प्रांगण में यहीं मनाया गया, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर पर। और आगे आने वाले कार्यक्रम आचार्य श्री के 10 लक्षण महापर्व जो हमारे जैन समाज की सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती है कि जैन समाज ये सोचता है कि पूरे साल में जो 10 दिन होते हैं और एक महीना भादों का, जो हमारा रक्षाबंधन से अगले रोज भादों शुरू हो जाता है, भादों का एक महीना और उसके अंदर 10 दिन के 10 लक्षण महापर्व, उस 10 लक्षण महापर्व पर हम जो एक विधान के आयोजन 10 के 10 दिन विधान लगातार आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ होगा। और उसके बावजूद उसका आगे का कार्यक्रम उसके बाद आचार्य श्री का के आचार्य श्री का जो है जन्म जयंती महोत्सव और संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव दोनों यहाँ इस प्रांगण में करे जाएंगे। पवन जी, जैन धर्म के बारे में आपने बताया, जैन धर्म के बारे में आपका भावना क्या है? जैन धर्म अहिंसा का मार्ग है और जैन धर्म के अहिंसा के मार्गों पे जो चल गया वो तर गया, मोक्ष मार्ग को जाने का एकमात्र साधन है वो है जैन धर्म। उसके अलावा कोई किसी धर्म में आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग का एक रास्ता है वो जैन धर्म है, आचार्य श्री के सानिध्य में इतना ही ले सकते हैं। राजीव कुमार जैन अपना परिचय बोल देंगे, मेरा नाम राजीव कुमार जैन है और हम ही छात्र हैं। ओके भैया, व्यक्ति सही हो जाए क्या? ओके रेडी, कैमरा अच्छा। राजीव कुमार जैन जी, आप भी गुरु जी के सानिध्य में हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताएं जैन धर्म के बारे में आपका क्या सोचना है? जैन धर्म जो है वो अहिंसा को मानने वाला है। जैन धर्म का यही सिद्धांत है कि इसमें जीव हत्या न हो, मतलब जीव की विराधना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग अपनी क्रिया में, अपनी भाषा, अपनी क्रिया में जो भी क्रिया करते हैं उसमें इस बात की सावधानी रखते हैं कि हमारे से जीव की हत्या ना हो और हो तो कम से कम हो। यही कारण है कि यही चतुर्मास में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो और ऋतु में उत्पन्न नहीं होते, तो इसलिए हमारे मुनिराज जो है इन ऋतुओं में जो 4 महीने हैं एक ही स्थान पर रहकर जो है धर्म साधना करते हैं और करवाते हैं। तो महाराज जी, आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि महाराज इस मंदिर में विराजमान है और हमको जो है धर्म का पूरा ज्ञान इनसे मिल रहा है। बस हम चाहते हैं कि इस पर भावना बनी रहे और जो है हमारा जो धर्म जो है वो दिन पे दिन वृद्धि कर। मैं अंशुल शास्त्री पूज्य गुरुवर के दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और कहते हैं कि गुरु का सानिध्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, गुरु का समागम जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और गुरुवर के चरणों की रज जिसको मिल जाती है
वह अपने जीवन को सफल बना जाता है। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है कि अहिंसा का पालन करना, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम सभी अपने जीवन में अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते, किंतु पूज्य गुरुवर अहिंसा का पूर्ण रूप में पालन कर रहे हैं, तप के माध्यम से अपने जीवन को निखार रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाने से हम अपने जीवन को धन्य करते हैं, और अपने जीवन को धन्य करते हुए यही भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से पूज्य गुरुवर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ बाकी समस्त समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं अपनी आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि देखिए, जैन धर्म एक ऐसा महान धर्म है, पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा धर्म जैन धर्म है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भगवान किस प्रकार से बना जा सकता है उसके विषय में ज्ञान प्रदान किया गया है। हम अगर ये कहें कि भैया हम भगवान नहीं बन सकते तो ये सर्वथा झूठ होगा। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है, और वह अपनी तप के माध्यम से, अपनी श्रिया के माध्यम से अपने आप को भगवान बना सकता है। ऐसी महान शक्ति, महान क्षमता जैन धर्म ही हमें देता है। पूज्य गुरुवर उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और उनके चरित्र को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उनकी तपश्चर्या को देखते हुए हम मात्र यही भावना भाते हैं कि हे गुरुवर, जिस प्रकार से आप अपने चर्या का पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप तप कर रहे हैं, वैसी शक्ति हमें भी प्रदान करें आप, ताकि हम भी तप के माध्यम से अपने जीवन को निखारें और अपने आत्मा का कल्याण करते हुए एक दिन अवश्य ही जिस अवस्था को हमारे तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है, सिद्ध परमेष्ठी की अवस्था, उस अवस्था को हम भी प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना हम अपने हृदय में संजोते हुए पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैन धर्म के बारे में हमारी ये भावना है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें, और गुरुजी के चरणों में यही भावना बाते हैं कि जिस गुरु मार्ग पर हमारे गुरुजी चल रहे हैं, हम उस मार्ग पर कुछ उनके उससे हम भी थोड़ा सा इस पर चल सकें, और इस तप ग्रस्त अवस्था में रह के हम इसका कुछ पालन कर सकें। जैन धर्म के विषय में हम यही भावना बाते हैं कि जिस प्रकार से हम गुरुजी के चरणों में आके बैठे हैं, गुरुजी की जो तप क्रिया है इससे हम कुछ सीखें, और अपने ग्रस्त अवस्था में रहते हुए हम कुछ इसका पालन कर सकें। जो चर्या हमारे गुरुवर की है उसका हम थोड़ा सा भी कुछ भी अंश अपने अंदर ले सकते हैं, तो हम अपने को बहुत धन्य मानेंगे कि हम गुरु के चरणों में रह के कुछ सीख सके हैं। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब गाजियाबाद निवासियों का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की यहाँ दीक्षा स्थली है, और उसके 50 वर्ष के उपरांत हम सबको वो दीक्षा दिवस मनाने का परम सौभाग्य आचार्य विवेक सागर जी के सानिध्य में मिला, ये हम सबका परम सौभाग्य है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जैन धर्म के विषय में बात करें, तो जिस प्रकार आज संपूर्ण विश्व में आतंकवाद का बोलबाला है, उस प्रकार उस संदर्भ में जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जिस तरह से आतंकवाद से झुलस रहा है, उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए एकमात्र जैन धर्म में ही अहिंसा का जो सिद्धांत है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा, उसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। और ये हम सब, हमारा परम सौभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है कि जो एक साधारण से मनुष्य को भी भगवान बनाने की ताकत रखता है, और भगवान महावीर के सिद्धांत ये कहते हैं, भगवान महावीर ने ये कहा था कि हर कोई इंसान महावीर बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मेरे बताए हुए सिद्धांतों पर चलेगा तो खुद भी महावीर बन सकता है, और आज संपूर्ण विश्व को इस जैन धर्म की के सिद्धांतों की महती आवश्यकता है। मैं क्यों नहीं भाई? सब आ गए? लाइट नहीं आ रही? लाइट आ रही? लाइट आ रही? लाइट आ रही? हाँ, कीप साइलेंट।
मुस्कुराना कम, हंसना ज़्यादा।